और जीत सिंह जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि ये लोगों के सामने ये बात लेके आए। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास लिखने का काम जीत सिंह ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं तो सबसे चाहूँगा जितने मेरे युवा वो जरूर पढ़े कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। कहीं आप खड़े होंगे तो क्या बोलोगे, आप कौन थे, क्या थे, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पूर्वज थे वो क्या थे। उनकी इस पुस्तक से पूरे समाज को एक आईना दिखेगा, पूरे समाज को एक सीख मिलेगी। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं दिल्ली के तुगलकाबाद गाँव में हूँ और यहाँ मैं आपको बता दूँ ये कम्युनिटी सेंटर है तुगलकाबाद गाँव का। यहाँ पर एक किताब का विमोचन होना है। जीत सिंह बिदूड़ी जी ने किताब लिखी है गुर्जर आचार गुर्जर संहिता के नाम से, गुर्जर समाज के ऊपर ये किताब है। आइए जानते हैं क्या ये किस बारे में किताब है, क्या ये किताब किस तरीके से इसका विमोचन हो रहा है और क्या इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन यहाँ मौजूद हैं, कौन कौन शख्सियत यहाँ मौजूद हैं और कौन कौन जो है गुर्जर समाज से आए हुए हैं या और भी समाजों से आए हुए हैं, सभी से आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये किताब जो है किस विषय पर है, क्या है, सारी जानकारी आपको देता हूं। आइए चलो। कि इसमें जो हमारा इतिहास इस किताब के माध्यम से आपको प्राप्त होगा उससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, खेल का, कूद का, गाने का, भागने का, दौड़ने का, हर क्षेत्र में आपको एक अच्छी पहल सुनने को और देखने को मिलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या इतिहास रचा और उस इतिहास के अंदर क्या क्या उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। उन सब कार्यों को देखते हुए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की जो इसमें आवाज और जो बात रखी गई है वो सबको देखने और सुनने के लिए मिलेगी। मैं आज के इस विषय पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर किताब के रचयिता जी का मैं सर झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक नई पहल इस तुगलकाबाद गांव में आज शुरू की और ये अनेकों गांवों का इतिहास इसी तरह से आगे उल्लेखनीय बनता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास लिखने का काम जीत सिंह ने किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। जहां तक गुर्जर इतिहास की बात है, ये 2 BC से 1201 AD तक 3 बार इनका राज रहा है, लेकिन इतिहासकारों ने, लेफ्टिस्ट और ब्रिटिशर्स ने पूरे इतिहास को मिटा दिया। बगावत जो करता है, विद्रोह जो करता है, उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलता है, यातनाएं मिलती है और गुर्बत मिलती है। और गुर्बत में आदमी क्या क्या कर देता है ये आप जानते हैं। गुर्जरों ने गुर्बत में रह करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उसमें कई सौ साल से ऐसे लगने लगा कि गुर्जर तो बस वही है, खाना बदोश और विरोध करना। लेकिन जीत सिंह भाई ने कोई अपने घर में बैठ करके ये किताब नहीं लिखी है। अभी बहुत सारी बातें हमारे समाज के लिए, बहुत सारी बातें हिस्ट्री में लिखी हुई हैं जो कि आज़ादी के बाद में हमारे लेखकों को लिखना चाहिए था, महत्व देना चाहिए था, वो महत्व लेखकों ने हमें नहीं दिया जिसका कार्य जीत सिंह भाई ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आज ये पहला कदम है, इसको देख करके जीत सिंह भाई का हौसला बढ़ेगा और कुछ और नए भी लोग, हमारे नौजवान शिक्षित लोग हैं जो वो भी आगे इस कार्य को करेंगे और इस पीछे के जो कार्य है जो हमारा, मैं माय लॉर्ड को बता रहा था, ये गांव का भी इतिहास है। आज का जो कार्यक्रम जिस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, जो किताब चौधरी जीत सिंह जी ने लिखी है, यह मात्र किताब नहीं है, ये समाज के लिए धरोहर है,
आने वाली पीढ़ियां इस किताब से ज्ञान प्राप्त करेंगी, उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या झेला, क्या क्या सहन किया और कैसे कैसे अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने आप को बर्बाद किया और आबाद किया। इतिहास मिटा दिया जाता है उस जाति को सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो अपने इतिहास को संजोकर एक किताब के रूप में प्रस्तुत करना ये समाज के लिए धरोहर है। मैं चौधरी जीत सिंह जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी किताबें आगे लिखते रहेंगे। सर, ये जो अभी किताब का विमोचन हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकेंगे? बिल्कुल, इसमें हमारे गुर्जर इतिहास को जो दबा चुके थे लोग, हमारे इतिहास को मिटा चुके थे, वो विदेशों की लाइब्रेरी से चुन चुन करके हमारे जीत सिंह जी अपनी किताब के माध्यम से यहाँ पर लाए हैं। हमें अत्यंत गौरव महसूस होता है जब हम अपने समाज के बारे में सुनते हैं कि विश्व का सबसे बहादुर समाज हमारा गुर्जर समाज है, गर्व होता है और गर्व से सीना चौड़ा होता। एक मैं अभी सुन रहा था आपको स्टेज पर, तो आपने कहा कि जो विद्रोह करते हैं उन विद्रोहियों का इतिहास नहीं लिखा जाता जी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? दुश्मन के खिलाफ विद्रोह विद्रोह नहीं माना जाता, उसको क्रांति बोली जाती है। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि उसको क्रांति का रूप दें, क्योंकि विद्रोह अंग्रेजों के लिए हो सकता है, मुगलों के लिए हो सकता है, देश के लिए नहीं। तो गुर्जर जो है देश के लिए लड़ा, और आपको खुशी होगी इस बात की जान करके कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, तो सबसे पहला जो सूचना दी थी, आपको पता है, आपने निकाला था मीडिया के माध्यम से कि वो जो हमारे गुर्जर बकरवाल थे उन्होंने सबसे पहले सूचना दी। और ये भी बता दूँ, कारगिल में सबसे पहला शहीद होने वाला खड़क सिंह गुर्जर नंगली गुजरान का था, जो राजस्थान झुंझुनू में पड़ता है। काफ़ी जो है लंबा इतिहास रहा है गुर्जरों का। और एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि अब जैसे भाई MP MLA और IAS IPS ये बनी रहे हैं आपके समाज से गुर्जर जो हैं जितने भी, अब लेखक वाला जो शैली जो पकड़ी है इससे जो है समाज किस तरफ जाएगा? निश्चित तौर से शिक्षा जो हमारे समाज में बढ़ रही है उस शिक्षा का ये प्रतिरूप है, प्रतिफल है कि हम पूरी दुनिया में जा जा के अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं, जो देश में लोग दबाए बैठे हैं। और निश्चित तौर से पढ़े लिखे जो नौजवान हैं इसमें जुट चुके हैं, अपने इतिहास को हम अपने समाज के और देश के सामने रखेंगे, क्योंकि हम समाज के लिए नहीं जीते, हम पूरे भारत देश के लिए जीते हैं। हमारी रग रग में हमारा आप रूह भी निकालेंगे तो उसमें देशभक्ति मिलेगी। आप जो ये इतिहास के बारे में आप विमोचन करने आए हैं, इस किताब के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गुर्जर समाज के बारे में, जो गुर्जर समाज का योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं, हमारे को किसी को भी नहीं पता है, और उसको उजागर किया जीत सिंह जी ने। एक मेहनत की, रिसर्च की सारे सब्जेक्ट पे कि किस तरह से 1857 के संग्राम से लेकर के 1947 तक अंग्रेज़ों के साथ जूझे और किस तरह से अंग्रेज़ों ने इनका दमन किया और जिस वजह से ये समाज थोड़ा पिछड़ गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी और एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। लोगों को हमारा इतिहास जानना चाहिए और जीत सिंह जी ने बहुत अच्छी पहल की है कि ये लोगों के सामने ये बात लेके आए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके की इतिहास जो है, जो दबाया गया है, वो कहीं ना कहीं और उभर के आए। आप ये बिल्कुल सामने आना चाहिए लोगों के, जो सच्चाई है, जो जो जिसने काम किया समाज का, वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। किताब के विमोचन में मेरे साथ सुरेंद्र बिरदुड़ी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो गुजर इतिहास के बारे में ये जो पुस्तक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखो, अभी तो मैं पढ़ूंगा इस किताब को, पढ़ के मैं आपको बता पाऊंगा, पर हाँ, किसी भी समाज का इतिहास पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारा समाज वो पिछड़ गया, चाहे आज़ादी के समय, चाहे मुगलों के समय, जितनी यातनाएं हमारे समाज ने झेली होगी, मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने झेली है। तो हम तो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को पता रहे कि हमारा समाज कहाँ से आया। जो हमारा समाज है वो राजा महाराजों का था, उसके बाद हमें कहाँ कहाँ क्या क्या बोला गया, लोग क्या क्या बोलते हैं, कोई चोर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आप राजा परिवार से थे, आने वाले भविष्य में दोबारा से उसी समाज को एकत्र करके पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सरकार में भी हिस्सेदारी होगी तो कम से कम हमारे समाज की बातें ऊपर तक जाएगी। मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा सर, जब कहा जाता है कि भाई ये क्रांतिकारी समाज था, तो इसका ये इतिहास किस तरीके से, मतलब कैसे दबाया गया? ये अब जो खंगाल के हमारे जो नए युवा हैं या हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो IAS IPS भी बन रहे हैं और राजनीति में भी जा रहे हैं आपकी तरह, तो अब जो ये लेखन वाली जो शैली है, इससे समाज
आपको क्या कोई आगे दिशा और दशा मिलेगी? अब देखो, पुराना कुछ भी अगर 10,000 पहले का इतिहास आप जानोगे तो कैसे जानोगे? किताबों से जानोगे ना, हमारे ऊपर तो किसी ने लिखा ही नहीं। जो लिखा गया कहीं ना कहीं उसको जला दिया गया। जब आज़ादी के बाद जो ब्रिटिश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाकर अपनी पार्लियामेंट में ये बोला कि खाली एक समाज था जिसको हम दबा नहीं पाए, एक खाली गुर्जर समाज था जिसको दबा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो दबंग रहा है, वो झुका नहीं। जो झुकेगा नहीं तो टूटेगा वो, तो हमारा समाज झुका नहीं तो टूट गया। पर मैं बधाई देना चाहता हूँ चौधरी जीती जी को, जिस तरीके से वो हमारे समाज के लिए, जिन्होंने भी ये गुर्जर संहिता लिखी है, और भी लोग इनके पीछे पीछे आएंगे। और जागरूकता है, काफ़ी लोग लगे हुए हैं, चौधरी अनंत पातावर जी लगे हुए हैं, हमारे गाँव से एडवोकेट हमारे भाई वो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जागरूकता है ही, इतने सारे लोग आप देख ही रहो, ये जागरूकता तो ही। तो ये एक बड़े मतलब गौरवपूर्ण समय है जब इतिहास को खंगाल खंगाल कर निकाला जा रहा है। ये कोई, क्योंकि इतिहास तथ्य और कथ्य पर चलता है, कहानियां तो सबको पता थी लेकिन अब तथ्य भी निकल के आ रहे हैं सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और मैं आशा करूँगा कि आपसे जब आप किताब पढ़ लें तो फिर एक बार मैं ज़रूर उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं तो सबसे चाहूँगा जितने मेरे युवा वो ज़रूर पढ़े कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। कहीं आप खड़े होंगे तो आप क्या बोलोगे, आप कौन थे, क्या थे? आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पूर्वज थे वो क्या थे। मेरे साथ इस समय हर्ष चौधरी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो गुजरों के ऊपर जो ये इतिहास, जो गुजरों का इतिहास, जो ये दिल्ली का इतिहास जो बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पहले छुपा हुआ था, तो अब ये किताबों के माध्यम से बाहर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से ये इतिहास, जो आपका इतिहास था, वो किस तरीके से दबा और अब वो बाहर सच्चाई जो है वो निकल के आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आज इस पुस्तक के जो लेखक हैं चौधरी जीत सिंह जी को, उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि उनके इस पुस्तक से पूरे समाज को एक आईना दिखेगा, पूरे समाज को एक सीख मिलेगी। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास जब तक हमारी आने वाली जनरेशन्स को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं पता लगेगा कि जो उनके बुजुर्ग थे, जो हमारी संस्कृति थी वो क्या थी, उन संस्कृति से, उस संघर्ष से हमें सीखना भी होगा, उस संस्कृति से हमें जो हमारी गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेना पड़ेगा। क्या हमने लड़ाइयां लड़ी, क्या हमने कुर्बानियां दी, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। तो ये सब चीज़ मैं समझता हूँ कि आने वाले जो नौजवान हैं, जो हमारी जो पीढ़ी है, उनको मालूम होना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय के लिए हम एक अच्छे निर्णय ले पाएँ, एक अच्छे समाज का गठन कर पाएँ। सर, ये बताया जाता है, कई बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि जब इतिहास में हमारा नाम जब हम पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं है, तो बताते हैं कि हम जो गुर्जर समाज था, जो आपका जो समाज है गुर्जर समाज, ये बड़ा मतलब आंदोलनकारी था, उनकी अंग्रेजों के नीचे ना दबने वाला, या फिर उनकी दमनकृती जो नीतियाँ थी उनसे बच के चलता था, उनकी बातें नहीं मानता था। तो क्या यही कारण है कि इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं छुपाया गया, या और भी कुछ कारण है? देखिए, क्या कारण थे क्या नहीं थे, मेरी समझ में जो आता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी पढ़ाई, जो शिक्षा है, उसका एक मूल रूप कारण मुझे समझ में आता है। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित होते तो कहीं ना कहीं जो आज हमें अपना जो इतिहास है कम पढ़ने को नज़र आता है, वो आज हम सारे समाज के बीच में होता। हम लोग जो समाज है वो हर तरीके से मजबूत रहा, सिर्फ कलम की ताकत से, कलम की जो ताकत थी कहीं ना कहीं हम उसमें कमज़ोर रहे। आज उस कलम की ताकत को भी मजबूत करने का काम जो आदरणीय चौधरी जीत सिंह जी ने किया है, मैं समझता हूँ पूरे समाज के लिए एक बहुत ही एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया है, ना केवल सिर्फ पुस्तक की वजह से, बल्कि और भी किसी फील्ड में अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जीत सिंह जी का इतिहास भी अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वह कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से उनका कोई वो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने, उनके अंदर एक जज्बा था कि वो अपने समाज की जो पुरानी बातें थी, हमारे समाज का जो इतिहास है, उनको लोगों तक पहुंचाने का उनमें एक अंदर जज्बा था। उस जज्बे को उन्होंने कलम के माध्यम से सबके सामने पेश किया। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि
क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होंगी कि गुर्जर समाज में से इस तरीके के लोग निकलें जो इतिहास को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर सकें, तो मुझे लगता है ये एक बहुत सराहनीय कदम है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी कुछ ना कुछ अपने फील्ड में जो भी कर रहे हैं आप उसमें आप आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।